तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले मल्टीपर्पस लिक्विड। मल्टीपर्पस लिक्विड क्या होता है तो पहले इस पे हम जान लेते हैं। ये एक लिक्विड ही हो गया है, जैसे डिश वॉश होता है, डिटर्जेंट होता है, वैसे ही एक डिश वॉश और डिटर्जेंट का कॉम्बो, मतलब कॉम्बिनेशन करके एक मल्टीपर्पस लिक्विड नया प्रोडक्ट बन चुका है, जिससे आप कपड़े भी धो सकते हो, बर्तन भी साफ कर सकते हो, दोनों चीज़ें होती है। हाँ, कई लोग इसको फ्लोर क्लीनर के तौर पे भी यूज़ कर लेते। तो बेसिकली तो ये प्रोडक्ट कपड़े और बर्तन को साफ़ करने के लिए कॉम्बिनेशन पैक है, मतलब टू इन वन पैक भी बोला जा सकता है। इसको बनाते कैसे, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, मल्टीपर्पज़ लिक्विड के ऐसे तो कई सारे फॉर्मूलेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन मेरा फॉर्मूलेशन थोड़ा सा अलग है। हो सकता है इस फॉर्मूलेशन का पहले भी कोई वीडियो हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वीडियोस इस पे देखता नहीं हूँ अभी। तो अगर पहले किसी ने अपलोड किया हो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ये वीडियो थोड़ा अलग फॉर्मूलेशन पे। तो आप देख लेते इसको कैसे बनाते। कुछ ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स पहले हम नोटिस कर लेते। सॉल्ट, SLES, एसिड स्लरी, इसमें कास्टिक सोडा का मैंने लाए बनाया हुआ है, छोटी क्वांटिटी में कास्टिक सोडा चाहिए, मैं 1 लीटर का बैच बता रहा हूँ। ये बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें साइट्रिक एसिड है, और ये सोडियम कार्बोनेट, मतलब कपड़े धोने का सोडा। तो इतनी चीज़ों से, और कलर मैंने ऑप्शनल पे रखा हुआ है, आप चाहो तो डाल सकते हो या नहीं भी डालो तो भी चलेगा। और परफ्यूम, लेमन परफ्यूम यूज़ करना, वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसमें डिश वॉश भी साफ़ होने वाला है और डिटर्जेंट भी होने वाला है। तो लेमन परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हो, लेमन परफ्यूम आपको 1 ml तक यूज़ करना है 1 लीटर में। अब बात करते हैं सबसे पहले कुछ इस प्रोडक्ट के लिए कुछ ज़रूरी सूचना मैं बता देना चाहता हूँ। मल्टीपर्पज़ लिक्विड वैसे तो मार्केट में चल ही रहा है, लेकिन जब आप उसको बना के बेचना चाहते हो या खुद के लिए बनाना चाहते हो, ये आप बाद में डिसाइड कर लेना। स्पेशली तो ये वीडियो मुझे रिक्वेस्टेड आया था कि भाई, उन एक मेरे सब्सक्राइबर है, उनको मल्टीपर्पज़ लिक्विड का फॉर्मूलेशन चाहिए था, पूरा वीडियो चाहिए था। और उसके अलावा और भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेशन मेरे पास मांग रहे हैं, लेकिन मुझे कोई किसी भी तरीके की क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि उनको किस, मतलब कौन सी चीज़ के लिए फॉर्मूलेशन चाहिए। तो थोड़ी बहुत क्लियरिटी हो जाए तो भी अच्छा पड़ेगा। अगर आपको कोई फॉर्मूलेशन चाहिए तो आप थोड़ी क्लियरिटी के साथ मुझे बताओ कि आपको किस चीज़ के यूजिंग के लिए चाहिए, और आपको किस, मतलब कौन सी प्राइस तक में आपको फॉर्मूलेशन बनाना है, तो मैं उसके बेस पे आपको फॉर्मूलेशन बना के दे सकता हूँ। या फिर अगर मेरे पास वो सारे मटेरियल्स अवेलेबल होंगे तो मैं उसका आपको पर्टिकुलर वीडियो भी बना के मैं आपको दे दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। अब बात करते हैं मल्टीपर्पज़ लिक्विड की। मल्टीपर्पज़ लिक्विड आप अगर बिजनेस के तौर पे भी इसको यू बनाना चाहते हो तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा, आप 5 लीटर का पहले एक छोटा सा बैच बनाओ, जो मैं अभी फॉर्मूलेशन आपको पूरा बना के बताऊंगा। इसके बेस पे आप 5 लीटर का बेस पहले एक छोटा सा बना दो बैच, और फिर उसमें से आप 1-2 लीटर सैंपल के तौर पे आपके जो भी एरिया वगैरह में होगा वहाँ पे आप पहले, आपको आप अपने प्रोडक्ट में जो आपने मटेरियल यूज़ किया है उसके आपको जो कॉस्टिंग पड़ रही है उसका आप कैल्सीमर का आप देख लेना कि आपको कितने तक पड़ रहा है। अभी मेरे पास जो मटेरियल है इसके बेस पे मुझे ये करीब 18 से 20 रुपये पर लीटर पे पड़ रहा है। इसको अगर मैं लेबल और बॉटल पैकिंग भी कर दूँ तो मुझे 30 रुपये तक किए जाएगा, तो ये इजीली मैं 40 से 50 रुपये तक मैं दुकान में सेल करूँ तो भी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके एरिया में भी आप पहले ये चीज़ देख लेना भाई, ये चीज़ आपके एरिया में चलता है कि नहीं चलता है। कई बार क्या होता है भाई, यूट्यूब पे तो बहुत सारे फॉर्मूलेशन मिलते हैं, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट आपके एरिया में चल रहे कि नहीं चल रहे उसकी कोई आइडिया नहीं होती। आप प्रोडक्ट कोई बड़ा बैच बना दो, जैसे कि आप अगर 50 लीटर का बैच बना रहे हो, फिर हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके एरिया में ना बिक रहा हो, तो क्या होगा कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, या तो फिर आपको वो लॉस करके किसी को बेचना पड़ेगा, या फिर जब तक उसका कोई आपको ग्राहक नहीं मिलता तब तक आपको वो ऐसे ही रहने देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले छोटा सा बैच बना लेना। फॉर्मूलेशन मैं इसमें बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, मैं वीडियो में ही साथ में दूंगा कौन सी चीज़ कितनी कितनी डालनी है, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ।
और मैं उसमें लिख भी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक खाली डब्बा लेते हैं और इसमें मैं पानी लूंगा 80 ग्राम, ये सादा पानी है। तो मैंने 80 ग्राम पानी ले लिया है। अब इसमें 20 ग्राम एसिड स्लरी डाल दूंगा। ठीक है, तो अब ये हो चुका है 20 ग्राम एसिड स्लरी मैंने इसमें ले लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते, जो कि इसमें एसिड स्लरी के मुकाबले पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, तो ये घुलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देते, देखो होता क्या है, मिक्सिंग प्रोसेस अगर अच्छे से नहीं हुई तो आपके प्रोडक्ट में सेपरेशन आ सकता है, इसलिए मिक्सिंग आपको अच्छे से ही करना है। मैंने कई वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आप मिक्सिंग अच्छे से करो, और अगर इस फॉर्मूलेशन पे आपका लिक्विड अगर पतला भी हो जाता है तो भाई दिक्कत नहीं है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आप पतले लिक्विड को ठीक कैसे कर सकते हो, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपका लिक्विड अगर पतला हो जाता है तो वो पतला क्यों हुआ है और उस पतले लिक्विड को आप ठीक कैसे कर सकते हो, उसका वीडियो आप देख सकते हो। तो अभी एसिड स्लरी पानी में घुल चुका है। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर हम रख देते हैं साइड पे, ये पूरा पानी में घुल चुका है, इसको थोड़ी देर हम साइड पे रख देते। अभी दूसरा खाली डब्बा लिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लेंगे सोडा एस, ये सोडा ऐसे कपड़े धोने का सोडा, ये 1 लीटर के बेच कर मैं फॉर्मूलेशन दे रहा हूँ। सोडा एस लेना है 15 ग्राम, क्वांटिटी मेजरमेंट अच्छे से देख लेना। अगर आपका प्रोडक्ट आपका रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया तो हो सकता है पीएच मेंटेन करने में आपको दिक्कत आ सके। अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैंने पीएच मेंटेन करने की भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। अब ये 15 ग्राम सोडा एस लिया है, इसमें 100 ग्राम पानी डाल देंगे। हम सोडा एस इसमें इसलिए ले रहे क्योंकि ये 2-in-1 लिक्विड है, ये कपड़े धोने में भी यूज़ होने वाला है, तो कपड़े धोने के लिए भाई सोडा एस बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट होता है। हाँ, ये पानी में घुलने में थोड़ा टाइम लगाएगा तो आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ मिक्सिंग प्रोसेस के लिए। तो इसमें हमारा सोडा एस घुल चुका है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप हो चुका है। ठीक है, सोडा एस घुल चुका है, अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यूज़ क्यों होता है ये बहुत कम लोगों को पता होगा, खास करके डिटर्जेंट में। डिटर्जेंट में बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट लिक्विड में, डिटर्जेंट पाउडर में भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये यूज़ क्यों किया जाता है ये बहुत कम लोगों को भी पता है। एक्चुअली बेकिंग सोडा का मेन पर्पस होता है ये जो
खारे पानी होता है, खारा पानी, कई एरिया में बोरिंग वगैरह का पानी होता है, तो उस खारे पानी में जो नमक की क्षमता होती है उसको थोड़ा कम कर देता है, जिससे कि लिक्विड में सफाई थोड़ी अच्छी आ जाती है। प्लस इसका पीएच 7 से 8, 8 के करीब होता है, 8 से 9 के करीब होता है, तो ये अगर एसिड बढ़ गया हो तो उसके पीएच को भी थोड़ा सा लेवल कर देता है। इसके अलावा इसके और भी कई सारे फायदे होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने फायदे, अगर हर एक चीज़ पे मैं बताने बैठूँ तो सब पे अलग अलग वीडियो बन जाएगी, तो सब पे फिलहाल बात नहीं करते। तो अभी इसको हमने मिक्स कर लिया है, अभी हम इसमें डाल देंगे हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा लेना है 3.40 ग्राम, इतना इनफ हो जाता है। 3.40 ग्राम आप कास्टिक सोडा ले लो, उसका 3 गुना पानी में लाई बना दो तो वो करीब 13.5 ग्राम तक हो जाता है, आप उतना इसमें डाल सकते हो। मिक्सिंग प्रोसेस अच्छे से करना और प्रोसेस को अच्छे से देख लो, वरना फिर बाद में आपका ही प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो अभी हमने इतनी चीज़ें इसमें डाल दी है, अभी इसमें हम डालेंगे हमारा एसिड स्लरी जिसको हमने पहले बनाया हुआ था, हम इसमें डाल देंगे, इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप ये प्रोसेस करना, इसको पहले थोड़ा थोड़ा डालना और मिक्स करते जाना, क्योंकि इसमें देखो तो झाग बनना शुरू हो गया है, ये दिक्कत आ सकती है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करते जाना, जिससे कि झाग बहुत ज़्यादा ना बने और आपको आसानी रहे, वरना झाग सब बाहर आ जाएगा। देख सकते हो झाग कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे मिक्स होते जाएगा झाग नीचे बैठते जाएगा, तो ये दिक्कत इसमें आ सकती है। हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें सोडा इस नहीं मिला सको तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो थोड़ा इससे कम पावर वाला लिक्विड होगा डिटर्जेंट के लिए, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ लिक्विड है, तो कपड़े धोने के लिए थोड़ा इससे उसका पावर थोड़ा कम हो जाएगा। और इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो एसिड स्लरी तो मैंने बचा कुचा इसमें मिला दिया है, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया था, वो था साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड 13 ग्राम लेना है, जो मैंने इस पेपर में निकाला है, और इसको भी हम इसमें डाल देंगे, और अब हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। वीडियो की लेंथ कितनी लंबी होगी मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, तो भाई पूरी प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो, वरना फिर गड़बड़ी हो सकती है। तो अब इसमें हमने साइट्रिक एसिड को भी डाल दिया है, अभी इसका पीएच देख लेते हैं। ऑलमोस्ट इसके कलर के इतने मुझे लग ही रहा है कि इसका पीएच लेवल में आ चुका है, ये अब ग्रीन हो चुका है, इसका 8 का पीएच आ चुका है। ठीक है, तो अब ये हमारा क्लीनिंग एजेंट बन चुका है। ये छोटे से बैच में इसलिए इतना गर्म नहीं हुआ, अगर आप बड़ा बैच बनाओगे तो ये गर्म हो सकता है, लेकिन मेरी सजेशन है कि आप पहले 5 लीटर का ही बैच बनाओ तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो अब हम इसमें पानी लेंगे 700 ग्राम,
तो इसमें 700 ग्राम पानी ले लिया है, और इस 700 ग्राम पानी में हम हमारा ये क्लीनिंग एजेंट डाल देंगे। ये हमारा क्लीनिंग एजेंट इसमें डाल दिया है, इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। तो अब समझ लो कि ये हमारा मल्टीपर्पज़ लिक्विड बन चुका है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये पतला है, तो इसको हम थिक करेंगे। थिक कैसे करना है, इसके लिए हम लेंगे SLES और सॉल्ट। तो ये SLES है, SLES हम इसमें लेंगे 40 ग्राम, तो अब ये 40 ग्राम SLES ले लिया, और इसको कर देते अच्छे से मिक्स। अब ये लिक्विड बन के रेडी हो जाएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लिक्विड होगा ये। अगर इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा चाहिए तो आप बेकिंग सोडा निकाल दो इसमें से, आपकी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, लेकिन फिर थोड़ा फॉर्मूलेशन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये इसी तरीके से रहने दो। आपका ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप मार्केट में गारंटी के साथ इसको बेच सकते हो, आप कस्टमर को गारंटी देके इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बिकेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप अपने एरिया के मार्केट में आप देख लेना कि आपके एरिया में ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए शुरू में आप छोटा सा ही बेच लेना। और इसमें सॉल्ट डाल देंगे जिससे कि SLES हमारा थिक हो जाए। सॉल्ट हम लेंगे 10 ग्राम, जितना हम SLES लेंगे उसका एक चौथाई हिस्सा हम ले लेंगे, मतलब 25% हम ले लेंगे सॉल्ट। इसको कर देते अच्छे से मिक्स। तो अभी हमारा थिक मल्टीपर्पज़ लिक्विड बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और एक अच्छी सफाई देने वाला। इसको फिर चाहे बर्तन में यूज़ करो, चाहे कपड़े में यूज़ करो, ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा। अभी हमारा लिक्विड तो बनके रेडी हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी फॉर्म है, तो इसके लिए इसको करीब 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे, जिससे कि इसका फॉर्म सब बैठ जाएगा। उसके बाद जब आप पैकिंग करोगे तब आप इसमें परफ्यूम डाल देना, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और कलर ऑप्शनल पे अगर आप डालना चाहो तो डालना, ना डालना चाहो तो मत डालना। और बात करें इसके लाइसेंस रिक्वायरमेंट के लिए, तो जो आपके पास क्लीनिंग पर्पज़ का लाइसेंस है उससे ही आप इसको बना के बेच सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और मुझे यार और भी कई फॉर्मूलेशन के रिक्वायरमेंट आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं शुरू में वही फॉर्मूलेशन अभी दे रहा हूँ जिसका बिज़नेस आप घर से कर सकते हो। हाँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जो यूज़ तो घर में ही होते लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप घर से नहीं कर सकते। वो कौन से प्रोडक्ट होंगे और क्यों नहीं कर सकते, जब मैं उसका आपको फॉर्मूलेशन दूंगा तो मैं उसकी डिटेल भी बता दूंगा कि आप घर से उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर सकते हो। लेकिन इन सब प्रोडक्ट की आप घर से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, तो आप शुरू में इस चीज़ को आप बनाओ और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, थैंक यू।